हाय, आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज सर्वर EC2 इंस्टांस पे हम लोग कैसे कोई स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो हम लोग EC2 सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद EC2 इंस्टांस इंस्टांस के भीतर जाएंगे और यहाँ पे एक विंडोज सर्वर लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग विंडोज सर्वर 16 लेते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे T2 माइक्रो फ्री टियर है, इसलिए T2 माइक्रो लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और ये जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसे भी सेम रहने देंगे। ऐड टैग में नेम दे देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, हमें इंटरनेट पे जाना है इसलिए हमें HTTPS देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग वेबसाइट डिप्लॉय करने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग में कोई है देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग न्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद लॉन्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई की पेयर सेलेक्ट कर लेंगे या न्यू की पेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग न्यू ही क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करेंगे। व्यू इंस्टांस पर देखेंगे तो इसे लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम अपने वीडियो को पॉज करेंगे। नहीं तो जब तक लॉन्च हो रहा है तब तक हम एक स्टैटिक फ्री स्टैटिक वेबसाइट टेम्पलेट करके सर्च करेंगे गूगल में और डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ से कोई एक टेम्पलेट ले लेंगे। यदि आपका टेम्पलेट है तो आप खुद का वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, रिफ्रेश करके देखेंगे। चलिए, तो हमारा जो ये सर्वर है ये लॉन्च हो गया है, 2x2 चेक आ गया है। अब यहाँ पे आईपी देखते हैं, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, RDP क्लाइंट पे जाएंगे, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर लेंगे जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होंगे वहाँ पे। गेट पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड के लिए जो की पेयर हमने बनाया था उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमें पासवर्ड मिल जाएगा। एक हम नोटपैड पे पासवर्ड सेव कर लेंगे। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप है इस पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ओके पे क्लिक करना है, देन यस। अब जो है हमारा विंडोज सर्वर जो उसे कनेक्ट हो रहा है। ये हमारा विंडोज सर्वर है जो 2016 सेलेक्ट किया है। यहाँ पे नेटवर्क पे यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा इंस्टांस का जो भी डिटेल है यहाँ पे शो होगा। और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आईएएस सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद ही हम लोग जैसे उबंटू लिनक्स सर्वर सब में
जैसे हम लोग अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं और इंजनएक्स सर्वर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे IIS सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे इंस्टांस का डिटेल है, ये पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी। इंस्टांस जो है कौन से जोन में है, AP साउथ B में है, 1B में, 1 GB रैम के साथ है, ठीक है। तो अब हम लोग IIS सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा सर्वर मैनेजर में। एड रोल एंड फीचर, ओके। ये बूट हो रहा है, जो हमारा सर्वर ये रेडी हो रहा है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे IIS सर्वर है या नहीं। IIS वेब सर्वर जो है इस पर क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम अपने वीडियो को पॉज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद क्लोज पे क्लिक करेंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग दिस पीसी में जाएंगे, इंट पब में जाएंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक फाइल है उसको इस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होता है या नहीं। तो यहाँ ये पेस्ट होने लगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे, और ये जो अभी नहीं डिलीट करते हैं, ये जो हमारा पब्लिक आईपी है उसको अभी सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ब्राउज़र में हम लोग सर्च करके देखेंगे तो क्या आता है। देखिए अभी ये फाइल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट जो हमने देखा था फाइल, उसी की वजह से ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा वेबसाइट को देना है, तो कैसे देंगे, एक मिनट। अब ये जो दो फाइल है इसे हम लोग डिलीट कर देंगे।
और इसे अनजिप कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और इस फाइल को डिलीट। इसके अंदर का जो भी कंटेंट है इसको कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रूट फाइल था उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम इस आईपी को सर्च करके देखते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, जो वेबसाइट हमने वहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड किया था वो यहाँ पे होस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो अपने वेबसाइट है उसको, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं किस पे, विंडो सर्वर पे, ठीक है। अब इसको यदि आप चाहते हैं डोमेन नेम से कनेक्ट करना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यदि हमको यहाँ पे डोमेन से अटैच करना है तो इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और ये जो आईपी एड्रेस है हमारा उसको राउट 53 से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका आईपी एड्रेस पहले कॉपी कर लेंगे सर्वर का, उसके बाद राउट 53 ओपन करेंगे। राउट 53 पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट पे होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले से ही होस्टेड जोन क्रिएट करके रखा है, यदि आप लोगों ने नहीं किया रहेगा, जैसे बड़ा-भैया.com, इसके ये मेरा गोडैडी से लिया हुआ डोमेन है, तो इसका जो एनएस रिकॉर्ड है वो मैंने गोडैडी में इंटर कर दिया। ऐसे मैं दिखा दूँगा, क्रिएट होस्टेड जोन, यहाँ पर वेबसाइट का नाम देंगे जैसे बड़ा-भैया.com, उसके बाद पब्लिक होस्टेड जोन, उसके बाद क्रिएट होस्टेड जोन। होस्टेड जोन क्रिएट करने के बाद इस तरह का आ जाएगा, बड़ा-भैया.com पे जाएंगे, इस तरह का एनएस रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। ये मैंने लैब परफॉर्म किया था उसके लिए डिलीट रिकॉर्ड सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनएस रिकॉर्ड है इसको हम लोगों को नेम सर्वर में अटैच करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों का जिससे भी डोमेन लेंगे, जो भी वेबसाइट से, वहाँ पे जा करके डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स, या यहाँ पे देखते हैं बड़ा-भैया.com के, यहाँ पे जाएंगे, मैनेज डीएनएस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चेंज डीएनएस में जाके ये चार रिकॉर्ड जो है वो हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड के साथ हमें वही करना है।
अब यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये रिकॉर्ड होगा। देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है। और रिकॉर्ड का नेम badabihar.com, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड सेट करेंगे, ये हमारा क्रिएट होगा, हो गया, ठीक है। तो badabihar.com पे जो रिक्वेस्ट आएगा वो इसे यहाँ पे सेंड कर देगा। फिर एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे www, ठीक है, badabihar.com, फिर यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड सेट, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सेट कंप्लीट। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे badabihar.com। देखिए तो क्या खुला, हमारा सेम वेबसाइट ओपन हुआ, यानी कि हमारा जो सर्वर है वो हमारे डोमेन से कनेक्ट हो गया, या फिर www.badabihar.com, ठीक है, ये आ गया। ये जो नॉट सिक्योर दिखा रहा है वो क्योंकि हमने SSL सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया है। यदि SSL सर्टिफिकेट ऐड करना है तो उसके लिए हमें लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा, और लोड बैलेंसर के साथ हमको SSL सर्टिफिकेट जो कि गोड AWS के तरफ से फ्री आता है, AWS ACM, तो उसे ऐड कर देंगे तो हमारा जो ये साइट है वो फुली प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम SSL सर्टिफिकेट से ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहले सर्टिफिकेट मैनेजर में जाना होगा, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे हम लोग एक बार star.badabihar.com लेंगे, मीन्स स्टार डॉट के आगे जो कुछ भी रहे उस पे SSL सर्टिफिकेट लगा देगा, ठीक है। और एक badabihar.com, नेक्स्ट, रिप्यू, कंफर्म द रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर हम लोग इसको ओपन करेंगे और राउट 53 में इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस रिकॉर्ड को भी हम लोग राउट 53 में ऐड कर देंगे, ठीक है। सक्सेसफुली एडेड हो गया, फिर कंटिन्यू, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू हो गया, अब ये इशू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग लोड बैलेंस EC2 में जाएंगे, ठीक है। EC2 में जा करके लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो ACM सर्टिफिकेट है वो लोड बैलेंसर के साथ ही अटैच होता है। फिर यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर, फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोड बैलेंसर का नेम दे देंगे, इंटरनेट फेसिंग, ठीक है। उसके बाद HTTPS लेंगे, उसके बाद जो VPC है तीनों एबिलिटी जोन पे करेंगे। उसके बाद ACM सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे badabihar.com, देन नेक्स्ट, देन सिक्योरिटी ग्रुप लेंगे, यहाँ पे
सर्वर लेते हैं। शायद हमने वहाँ पे HTTPS सेलेक्ट नहीं किया था, सॉरी, टारगेट ग्रुप देंगे, प्रीवियस जाएंगे पहले, यहाँ पे न्यू SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ठीक है। फिर रजिस्टर टारगेट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो होस्ट किए हैं इस पे किए हैं रजिस्टर कर देंगे, फिर रिव्यू क्रिएट। ठीक है, ये प्रोविजन हो रहा है, तब तक हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में जा करके जो हमारे विंडो इंस्टांस था उस पर HTTPS SSL सर्टिफिकेट जो था वो अलाउ नहीं था, एडिट इनबाउंड रोल कर लेते हैं, एड रोल HTTPS ठीक है, अभी भी प्रोविजन हो रहा है, तब तक हम लोग राउट 53 ओपन कर लेंगे। होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे, barabihar.com, अभी भी प्रोविजन हो रहा है, तब तक वेट करते हैं जब तक। ठीक है, अभी जो हमारा लोड बैलेंसर है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो अब लोड बैलेंसर को हमारे राउट 53 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तब हमें IP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस समय SSL सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड सेट, एलियास करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रीजन मुंबई, क्योंकि मुंबई में हम लोगों ने किया था, लोड बैलेंसर बड़ा बिहार। ठीक है, उसके बाद एक बार इसके साथ क्रिएट करेंगे, क्रिएट, ओके, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो हम लोग जो IP एड्रेस के द्वारा जो क्रिएट किए हुए थे वो डिलीट कर देते हैं। अब हमें IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोड बैलेंसर के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने डिलीट कर दिया है, क्रिएट रिकॉर्ड सेट, एलियास, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रीजन, आप जो भी रीजन सेलेक्ट किए रहेंगे जिसमें आपका EC2 इंस्टांस और लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे वो रीज़न आपको सेलेक्ट करना है, देन क्रिएट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, चलिए ये हमारा क्रिएट हो गया है, अब हमको एक और रिकॉर्ड सेट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सीनेम भी हम लोग सीनेम टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग एलियास ही कर लेते हैं। बराबर, यहाँ पर www क्रिएट रिकॉर्ड सेट। ठीक है,
ये हो गया, अब देखते हैं www.banabihar.com। ये अभी नहीं आया है, अपडेटेड नहीं हुआ होगा। यहाँ पे https लगा कर देखते हैं, देखिए ठीक है SSL सर्टिफिकेट आ गया। अब एक बार banabihar.com सर्च करेंगे। देखिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे HTTP है, तो हम लोग HTTPS कर देंगे ठीक है। तो एक बार ऐसे सेट करेंगे https://banabihar.com ठीक है। देखिए अब क्या आ रहा है, हमारा SSL सर्टिफिकेट के साथ आ रहा है ठीक है। फिर से करते हैं, तो कंट्रोल नहीं, ठीक है। तो ये जब आएगा इसका मतलब ये होता है कि HTTP के साथ ये हो रहा है, तो हमें HTTPS के साथ लेना है ठीक है, क्योंकि जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो HTTPS के साथ वर्क करता है ठीक है। तो देखिए ये जब अपडेट हो जाएगा तो आप banabihar.com ऐसे भी सर्च करेंगे, मीन्स आपका जो भी वेबसाइट होगा जब पूरी तरह से डोमेन अपडेट हो जाएगा तब SSL सर्टिफिकेट के साथ ही आएगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते हैं विथ SSL सर्टिफिकेट। ओके थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।